हिंसा के बाद से जिला पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। रविवार को भी जिला पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मार्च में ASP जैसलीन कौर, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों सहित सैकड़ों पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पुलिस कप्तान के साथ रहे। इस मौके पर SP लोकेन्द्र सिंह ने दुकानदारों से मिलकर उनसे इस दौरान आने वाली समस्याओं पर जानकारी ली। दुकानदारों ने भी पलवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बताते हुए आभार प्रकट किया। पैदल मार्च शहर थाने से शुरू किया गया। मीनार गेट बाजार से होते हुए ये काफिला शहर भर से निकलता हुआ कमेटी चौक पहुंचा, जहां पुलिस कप्तान लोकेन्द्र सिंह ने व्यापार मंडल के संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था और दुकानदारों की समस्याओं की जानकारी ली। SP लोकेन्द्र सिंह ने कहा कि अगर किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि दिखाई दे तो इसकी जानकारी सीधे पुलिस को दे, पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह अफवाह पर ध्यान न दे। उन्होंने बताया जिला पुलिस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकस है, किसी भी तरह की समस्या यहां नहीं आने दी जाएगी। पलवल में पूर्णतः शांति है और हमारे पास काफी फोर्स जो पैरामिलिट्री की थी और जो हमारी खुद की फोर्स है वो सारी लगातार गश्त कर रही है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, हम लोग भी पैदल घूम घूम कर गाड़ियों में घूम कर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं संडे के दिन भी ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं और व्यापारियों पर विश्वास है और ग्राहक भी आने लगे हैं दो दिन से, और जो हमारी नॉर्मल जो गतिविधियां हैं वो सारी रिज्यूम हो चुकी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कोई भी सूचना आपको मिलती है तुरंत पुलिस को बताएं, पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। सर, जिले के लोग कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं अब तक, कितनी गिरफ्तारी हुई है टोटल? अभी तक हमारे यहाँ 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 5 लोगों की उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। SP लोकेन्द्र सिंह ने बताया कि अब तक जिले के विभिन्न थानों में 19 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है, पलवल की स्थिति लगभग पूरी तरह से कंट्रोल में है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स अलर्ट रहेगी। सत्य खबर के लिए पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।